Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is a fun video today because today not only we are teaching you how to make an origami bunny's head, but we are also teaching you how to use this as a low cost, no cost teaching aid for teaching different lessons and different concepts. तो ये मुख्तलिफ साइजेस में आपको नजर आ रहे हैं एंड दिस ब्यूटिफुल आर्ट इज डन बाय माई यंगेस्ट डॉटर जो आज की वीडियो में आपको ड्रॉ करके भी बताएंगी कि ये फेसेस आपने कैसे ड्रॉ करने सो वी आर स्टार्टिंग विद अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर वी आर स्टार्टिंग विद अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर और इसको आपने फोल्ड कर लेना है ऐसे बिल्कुल सेंटर से हाफ में और आपके पास एक ट्राइंगल आ गया नाउ द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्राइंगल इसको आपने उठाना है और इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है दिस इज़ द क्लोज्ड एंड जो बड़े वाला एंड है ट्राइंगल का उसको आपने इस तरह से फोल्ड कर दिया मेक श्योर कि ये जो दो एजेस इस फोल्ड के बाद बनते हैं ये बराबर बराबर के हों क्योंकि यही आपके बनी के कान होंगे ईयर्स होंगे ठीक है इसको दोबारा से आपने फोल्ड किया लाइक दिस नाउ देयर इज़ अ लाइन इन द सेंटर दिस लाइन इज़ जस्ट टू गाइड यू कि आपने इसके बाद इसके साथ क्या करना है अब आप इसको फ्लिप करेंगे और इस कॉर्नर को उठा के आप बिल्कुल ये सेंट्रल लाइन के साथ साथ रखते हुए यहाँ पर फोल्ड कर देंगे लाइनों को हाथ से नीट कीजिए क्योंकि जितनी नीट आपकी लाइनें होंगी क्रीजेज और फोल्ड्स आपके जितने नीट होंगे उतने ही नीट आपकी जो ओरिगामी है वो बनती है सो योर पेपर शुड लुक लाइक दिस सामने से देखने में इस तरह नज़र आए टू पैरेलल लाइंस रनिंग थ्रू द सेंटर पीछे आपको इस तरह से नज़र आएगा अब ये वाले एज को उठाकर आपने बिल्कुल दोबारा से ऊपर ले आना है और यहाँ पे आपने इसको फोल्ड करना है इट्स अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज मैं बड़े कागज़ से बना रही हूँ लेकिन जिस भी साइज़ के कागज़ से बनाएंगे आपने इसको ऊपर की तरफ ला कर फोल्ड करना है लाइक दिस नीटली इसको बिल्कुल टक इन करके ये देखिए ये फोल्ड हो गया राइट नाउ यू विल हैव अ फ्री फ्लैप ऑफ पेपर ऑन दिस साइड ये बिल्कुल इजीली आप इसको खोल सकते हैं और इसको आप खोल दीजिए अब देखिए आपका जो पेपर है वो एक तरफ से ऐसे नज़र आ रहा है एंड फ्रॉम द अदर साइड इट्स लाइक दिस ठीक अब आप ये वाले जो कॉर्नर्स हैं इनको अंदर की तरफ फोल्ड करें लेफ्ट और राइट पे जो आपके कॉर्नर्स जो बाहर के तरफ निकले हुए हैं क्योंकि आपने चेहरा बनाना है हेड बनाना है तो उसके लिए आपको इनको अंदर की तरफ फोल्ड करना है एंड देन फोल्ड दिस होल थिंग ओवर अगेन और ये जो छोटी सी पॉकेट बनी हुई है इसके अंदर इसको आराम से आप फिट कर दें ठीक है इसका ये ओके सो दिस इज द हेड जो हमने बनाया है जो आपको यहाँ भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं इसमें एक मैंने वाइट शीट ऑफ पेपर पे भी बनाया था आपको दिखाने के लिए सो दिस इज़ द वन ये छोटे पीस पे बनाया ये बड़ा बनाया ठीक है इसके बाद आपने इसके ऊपर ड्राइंग करनी है जस्ट लाइक दिस ताकि ये प्यारी सी शक्ल बन जाए और इसके कानों को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ना है कि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगे कानों के अंदर भी आपको पेंट नज़र आ रहा है अभी आयत जो हैं वो इसको पेंट इसको कलर करेंगी एक को और मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इतना सो व्हेन यू स्टार्ट यू हैव टू फर्स्ट टेक एनी पेन एंड ड्रॉ द फेस यू वांट सो जैसी भी आपको शक्ल बनानी है जितनी बड़ी आंखें बनानी है जैसी भी नाक आप बनाना चाहते हैं एंड यू आर फ्री टू कलर इट विच एवर वे यू वॉन्ट टू कलर आए तभी इसको कलर कर रही हैं तो इन द मीन टाइम मैं आपको बताती हूँ कि हाउ कैन यू यूज़ दीज सबसे पहले तो दीज आर वेरी गुड फॉर टीचिंग कलर्स अगर आप मुख्तलिफ रंगों के कागज़ों से इसको बनाते हैं तो यू कैन वेरी ईजीली टीच कलर्स थ्रू दीज पपेट्स देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपके पास ये ऑरेंज कलर का मौजूद है बनी तो यू कैन पुट कलर्ड पेंसिल्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड एंड आस्क द चाइल्ड टू मैच दिस
विद द राइट कलर. सो वो ऑरेंज कलर उठाकर और इसको ऑरेंज कलर की पेंसिल के ऊपर इसको फिक्स कर देंगे. सो दिस शोज दैट दे रिकग्नाइज द कलर ऑरेंज और उनको इसका नाम भी आता है और वो इस रंग को पहचान सकते हैं. सेकेंड, आप इसको सॉर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 3-4 कलर्स के आपने बनाए हुए हैं, सो सॉर्ट सारे ऑरेंज एक तरफ, सारे येलो एक तरफ, सारे प्रिंट जो हैं वो एक, सारे पिंक कलर के जो हैं वो एक तरफ. यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज फॉर सॉर्टिंग बिग एंड स्मॉल, क्योंकि मुख्तलिफ साइज़ के पेपर से आप बनाएंगे तो इनके मुख्तलिफ साइज़ होंगे. अब दिस इज़ अ स्मॉलर वन, ये जो है ये बड़े वाला है. सो बिग एंड स्मॉल में भी बच्चे इसको सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आयत हैज़ ड्रॉन द बेसिक शेप, द बेसिक फीचर्स ऑफ द फेस, और अभी आयत जो है इनको कलर करेगी. शी इज़ जस्ट शोइंग अस हाउ टू ओपन द ईयर्स, जो कान बने हुए हैं बनी के उनको आपने कैसे हल्का सा ट्विस्ट करना है कि वो खुल के बिल्कुल कानों की तरह लगने लगें. सो दिस इज़ हाउ यू पिंच द ईयर्स अ लिटिल बिट और वो खुल जाते हैं. जब आप इनको अंदर से कलर करेंगे तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो और भी अच्छा आएगा. नाउ आयत इज़ कलरिंग इट एंड आई विल शो यू सम अदर एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू विद दीज बनी हेड्स. आप इनको फिंगर पपेट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके अपने हाथ पे या बच्चों के हाथ पे ऑन योर फिंगर, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर टीचिंग कन्वर्सेशन. आपने भी अपने हाथ पे एक अपनी फिंगर पे चढ़ाया हुआ है और बच्चे ने भी, और आप बच्चे से बात कर रहे हैं. यू वांट टू टीच इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश कन्वर्सेशन, यू वांट टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, दे कैन रिप्लाई यू. और इस तरह इट्स जस्ट फन वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि एक ही जैसा काम करते करते बच्चे जो हैं वो तंग आ जाते हैं. यू कैन यूज़ दिस कैरेक्टर्स फॉर स्टोरी टेलिंग. बच्चों को रोज़ाना हमें अक्सर कहानी सुनानी होती है, तो बजाय इसके कि हम खुद सुना रहे हैं, दिस स्मॉल पपेट, दिस हेड, दिस बनी हेड कैन ऑल्सो टेल द स्टोरीज टू द स्टूडेंट्स. आप इसको अपनी क्लास में एक कैरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और जो भी सोशल मैसेज आपने बच्चों को देना है, जिस चीज़ के बारे में भी है, या कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है, या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपने बच्चों को देना है, सो दिस कैरेक्टर कैन बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप इसको इस्तेमाल करें और इस कैरेक्टर के थ्रू जो है आप ये मैसेजेस जो हैं वो बच्चों को दें. दिस विल बिकम द क्लास पेट, वो पेट की तरह बन जाएगा और हर कोई चाहेगा कि ये वाला करेक्टर जो है वो उनसे बातें करें, उनका नाम ले और उनको कोई नई और अच्छी बात सिखाए. As I told you, you can also use them for teaching the concept of family and family members. Bade size ke jo hain wo they can be mom and dad, or chote size ke jo hain wo they can be children, and you can teach the concept of family or family members kya hain aur unke naam kya hain aur unke different roles kya hain. So it depends on you ke aap kis tarah se imaginatively kis tarah se aap inko different variety of subject areas mein jo hai wo istemal kar sakte hain. This can be a very good pencil top. और पेंसिल टॉप क्यों, बिकॉज चिल्ड्रन लाइक, वो बाहर से अक्सर ख़रीद लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के पेंसिल टॉप, एंड दे लाइक इट, लाइक टू पुट दोज ऑन देयर पेंसिल्स. तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पेंसिल टॉप के तौर पर बच्चे इसको यूज़ करें. दिस इज़ नॉट दैट हैवी ऑल्सो, इतना भारी भी नहीं है, तो जो है बच्चे इसको आसानी से उनकी पेंसिल या उनके हाथ के ऊपर इतना बोझ भी नहीं पड़ेगा, एंड दे कैन वेरी ईजीली यूज़ दिस एज देयर पेंसिल टॉप एंड दे विल इन्जॉय राइटिंग. इससे छोटे साइज़ का आप बनाएंगे तो वो स्नगली जो है वो फिट हो जाएगा पेंसिल के टॉप के ऊपर, और दिस इज़ अ गुड नाइस कैरेक्टर विच द चिल्ड्रन विल इन्जॉय. रिवॉर्ड्स के तौर पर बच्चों को दिया जा सकता है. काउंटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे हेड्स पड़े हुए हैं एंड द चिल्ड्रन काउंट एंड सेपरेट. या आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा था फिंगर पपेट, तो फिंगर पपेट दिस इज़ ऑरेंज, और वो कहे कि हेलो I am Mr. Orange, and then Mr. Orange searches के क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑरेंज हैं. या ये एक्टिविटी अगर आप क्लास के बाहर करवा रहे हैं बच्चों को आउटसाइड इन द यार्ड, तो वो यार्ड में भी बता सकें कि ये चीज़ें जो हैं ये ऑरेंज कलर की हैं. तो इसके ये जो है सेंटेंस बनाना भी बच्चे सीखेंगे. हेलो आई एम मिस्टर ऑरेंज, माय टीचर्स ड्रेस इज़ ऑरेंज, the glass is orange, my notebook is orange. तो आप देखें कि कितना ज़्यादा लैंग्वेज वो इसके साथ साथ सीख रहे हैं, ओरल लैंग्वेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर को वो सीख रहे हैं. नाउ आयत्स ड्राइंग इज़ नियरली कम्प्लीट, तो हम देखते हैं कि उन्होंने
इसको किस तरह से कलर किया है. इट्स कमिंग अलोंग वेरी नाइसली. आई कैन यू बी अ लिटिल क्विकर सो दैट वी कैन क्विकली शो टू अवर व्यूअर्स के. तो देखिए, पहले आप पेंसिल से या पेन से अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लें, जैसे भी फीचर्स मैंने आपको बताया, एंड आफ्टर दैट यू कैन कलर इट. अगर आप कलर्ड पेपर से बनाते हैं तो फिर आपका आधा काम जो है वो आसान हो जाता है. आपको उसके बाकी चेहरे को कलर नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो ऊपर फीचर्स बनाए होते हैं उन्हीं को कलर करना होता है. बट दिस वन आई मेड ऑन अ वाइट शीट फॉर यू कि आपको साफ ज़रा क्लियरली नज़र आए कि ये बनेगा कैसे. दैट्स वाई इसको बाकी के चेहरे को भी इसको हमने कलर कर दिया है. सो इट्स रेडी, ऑलमोस्ट रेडी नाउ. Okay. And what do you want to name this one, Ayat? Do you want to give? Well, we can name them. Name? We can name them whatever we would like. So I would like to name him. I would like to name him Mr. Goober, because he's like a green, and green also stands for. Okay, it's all right. Okay, so this is Mr. Goober that I just colored for you. So I hope you will try making these, and you will try using them in your classroom for different activities or in your online lessons also. Aap inko istemal kar sakte hain for teaching different things to the students. That's all for today. Thank you so much for your attention. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.